अपने माता पिता को मनाओ, अपनी जिद पे अड़ो। जो टाइम हमें दिया जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए 7.5 मिनट दिया जाता है, सेकंड के लिए 8 मिनट दिया जाता है, तो ये बेस्ट है। मतलब वो पूरा पूरा टाइम देते हैं हमें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। नमस्कार जैन साथियों, ये जो चेहरे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये हैं वो WMP भर्ती प्रक्रिया फिजिकल की सारी प्रक्रियाओं को पास कर चुकी कैंडिडेट्स। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने पास की है और किस तरीके से ये कौन सी उनकी भर्ती थी, भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस से जुड़े हुए इनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम ज्योति है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा। जी ज्योति, आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, आपने अग्निवीर GD के लिए WMP की फिजिकल की सारी प्रक्रियाएँ पास की है। कौन सी भर्ती थी आपकी, इससे पहले कोई भर्ती देखी या पहली भर्ती है? सर, ये एक्चुअली मेरी पहली ही भर्ती थी। इससे पहले मैं NCC कैडेट रह चुकी हूँ, उस टाइम मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मतलब ये कोई ये नहीं है कि स्टार्टअप में शुरू से ही किया है, मतलब आपने 3-4 साल पहले NCC के अंदर दिए हैं? नो सर, कोरोना में हमारा 1.5 साल चला गया था सर। जी, तो उसके बाद सर मेरे लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को प्रॉपरली बोले तो 6 महीने ही मिले प्रैक्टिस के लिए। 6 महीने के अंदर आपने पहली भर्ती है, 6 महीने में अपने आप को उस जुनून जज्बे से गुजारना और अपने आप को उसके लिए तैयार करना, आपके माता पिता इस अचीवमेंट से बहुत खुश होंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य कैंडिडेट्स हैं जो आपको देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि अपने माता पिता को मनाओ, अपनी जिद पे अड़ो। और मैं ये भी चाहूँगी कि अपने माता पिता भी अपने बच्चों को समझे। सबसे बड़ा मैसेज यही है, क्योंकि आज हमारे हरियाणा में बहुत सी ऐसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे माता पिता साथ नहीं देते बच्चों का, जिससे बहुत सारी लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे आखिर ये करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ बोली है। किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया कि मैं आर्मी में ही जाऊँगी, क्या पेरेंट्स इसके लिए शुरू से ही साथ थे या फिर आपके ड्रीम के पीछे, आपकी मेहनत के पीछे उनकी हाँ थी? एक्चुअली मैं मेरे पापा के साथ बैठी थी, तो 26 जनवरी की जो परेड होती है मैं वो देख रही थी, तो मैंने वहाँ पे मेल जो कैंडिडेट थे उनको देखा। मैंने पूछा पापा से, पापा ने बताया कि बेटा आप है ना आर्मी में जाओगे तभी आप ऐसे कर सकते हो। मैं कहा ठीक है पापा, मेरे को तो जाना है। तो धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि भाई NCC में ऐसा होता है कि यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने वहाँ पे NCC में आके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि लीडरशिप की क्वालिटी सीखी हैं। तो उसके बाद वहाँ से मेरे को जो ANO थे उन्होंने गाइडेंस किया कि आप है ना WMP में अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने वहाँ से ही मतलब ये सीखा है। रेस की एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि 1600 मीटर रेस को लेकर बहुत सारी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में अफवाहें संशय होती है कि टाइम ये वो, किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आपको टाइम मिलेगा, अपना अनुभव साझा करिए। मैं सभी को बताना चाहूँगी, जो टाइम हमें दिया जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए 7.5 मिनट दिया जाता है, सेकंड के लिए 8 मिनट दिया जाता है, तो ये बेस्ट है। मतलब वो पूरा पूरा टाइम देते हैं हमें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। और आप है ना अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि बस आपको मतलब पीछे सेकंड ग्रुप में आने का मौका ही ना मिले। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है तैयारी, आसानी से हो जाती है। 2 महीने भी लगाओगे ना ढंग से तो भी हो जाती है सर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि भर्ती प्रक्रिया में जो स्टाफ है उसके लिए क्या मैसेज? सर, जो यहाँ पे स्टाफ है ना बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब काइंड नेचर है, हेल्प कर रहा है, बिल्कुल किसी चीज़ से वो नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेनू कुमारी है। रेनू जी, कौन से जिले से आती हैं, कौन सा आपका राज्य है? डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से, हरियाणा जिला। हरियाणा जिला से आप बिलोंग करती है। कौन सी भर्ती थी, इससे पहले भर्ती देखी है या आपकी पहली भर्ती? नहीं, ये मेरी पहली भर्ती थी आर्मी की। अच्छा, पहली भर्ती है आर्मी की, और पहली भर्ती की आपने पास किया है, किस तरीके की खुशी हो रही है, क्योंकि आपके माता पिता आपके इस अचीवमेंट से बहुत खुश होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली भर्ती थी, मेरा सपना था आर्मी में जाने का। अच्छा, और बहुत सारी जो आपके साथ की जो कैंडिडेट्स होती है, बहुत सारे भारत में अन्य अन्य जगहों से जो फीमेल कैंडिडेट्स है जो आगे भर्तियों में जाएंगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? आर्मी गर्ल्स के लिए बेस्ट है और सभी को जाना भी चाहिए।